Question number second, write a Pythagorean triplet whose one member is. हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखनी है जिसका एक मेंबर है. तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट में थ्री मेंबर्स होते हैं, दैट इज 2m, देन m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6. सो 2m इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 6 जो है वो 2m के इक्वल है. तो हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. नाउ हमारा सेकंड नंबर है m स्क्वायर माइनस 1. हमारी m की वैल्यू थी 3, देन 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, दैट इज 8. देन हमारा जो थर्ड नंबर था वो था m स्क्वायर प्लस 1, सो 3 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 3 3 से 9, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10. तो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 6 8 एंड 10. पार्ट 2 दैट इज 14. तो 2m हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 14, सो m क्या हो जाएगा 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7. नाउ हमारा सेकंड नंबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, सो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जा 49 माइनस 1, दैट इज 48. और हमारा थर्ड नंबर क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, सो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जा 49 प्लस 1, दैट इज 50. तो हमारे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, 14 48 एंड 50. नाउ पार्ट 3 दैट इज 16, सो 2m इक्वल्स टू 16. तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 डिवाइडेड 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो हमारा जो m होगा वो आ जाएगा 8. हमारा सेकंड नंबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, सो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1, 64 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 63. हमारा थर्ड नंबर क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, सो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा 64 प्लस 1, दैट इज 65. तो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या आ जाएंगे, 16 63 एंड 65. ऐसे ही हम पार्ट 4 कर लेंगे. फोर्थ इज 18, सो 2m इक्वल्स टू 18, m इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. तो हमारा m क्या आ गया, 9 आ गया. हमारा सेकंड नंबर क्या था, m स्क्वायर माइनस 1, सो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81 माइनस 1, 81 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 80. और थर्ड नंबर है m स्क्वायर प्लस 1, सो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जा 81 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 82. तो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होगी वो क्या आ जाएगी, 18 80 एंड 82. यहीं पे आपकी 6.2 कंप्लीट होती है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.